गाइस वेलकम बैक, दिस इज योर बॉय अमन। सो गाइस आज है 7th डे नवरात्रि का और आज हम लोग जाने वाले हैं गरबा खेलने के लिए रात को। सो गाइस जब भी हमें ना गरबा खेलने जाना होता है ना तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ना बहुत ही खुशी होती है। हमने तो ट्राई किया था ना कि हम लोग है ना यस्टरडे भी गरबा खेलने जा पाए, लेकिन है ना हमको पासिस मिला ही नहीं, पासिस का अरेंजमेंट हुआ ही नहीं। कल नहीं जा पाए तो क्या हुआ, आज तो जा रहे हैं ना। रात को गरबा खेलने तो हम लोग जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी वाली प्रॉब्लम भी है, पता है क्या? क्या? अरे हम लोग कपड़े कौन से पहनेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चनिया चोली है ना कि मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। हाँ। इस बार का जो चनिया चोली तुम लोग लेकर आए हो ना वो पहनो, वो लोगन से। हाँ वो लेकर आया ना वो ही पहनो। मैं तो वो व्हाइट वाला पहनूंगी। नहीं 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 नहीं, तू उतना हैवी मत पहना। उतना हैवी पहन लेती है और फिर वहाँ पे बोलती है कि जल्दी घर पे चलो, मुझे बहुत ही गर्मी लगती है। सो आज का लुक तू अपना है ना सिंपल ही रखना। मैं तो वही पहनूंगी। नहीं हम दोनों ने जो सेम लिया था ना, सेम डिजाइन का, सिर्फ कलर अलग है, वो पहनेंगे हम लोग। नहीं, हाँ ठीक है, मुझे ट्विंस नहीं बनना, मुझे प्राइज जीतना है। उधर प्राइज होगा तब ना जीतेगी, अभी पता नहीं है ना हमें प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे पता है उधर है प्राइज। हाँ तो ठीक है, तैयार हो जाना, प्राइज मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर रोना मत। नहीं रोऊंगी पक्का। ठीक है गाइस, खुशबू है ना ये वाला चनिया चोली है ना पहनना चाहती है। खुशबू तुझे पता है ना ये वाला चनिया चोली कितना हैवी है। अरे यार ये कुछ हैवी नहीं है, मैं ना इस पे गरबा बहुत ही अच्छे से खेल लेती हूँ, आपको बताओ। सिंपल वाला पहन ले, मेरी बात मान। वहाँ पे हमें ना आज है ना लास्ट तक गरबा खेलना, इसलिए लास्ट तक खेलने से क्या फायदा जब प्राइज ना मिले। ये पहन कर खेलेगी तो प्राइज मिलेगा। हाँ। खुशी तो देखो प्राइज लेने के लिए। यार अच्छा लगता है, सबको दिखना चाहिए ना कि हाँ मैं आई हूँ। ठीक है तो तेरी मन कर रहा है तो पहन ले। पर आप क्या पहनोगे? मैं तो बहुत ही सिंपल पहनने वाला हूँ। मम्मी साड़ी पहनने वाली है। हाँ तो कोई बात नहीं, मम्मी हैवी वाला साड़ी पहनेगी। आज मैं है ना ये वाला कोटी जो है वो पहनने वाला हूँ कुर्ते के ऊपर, लेकिन ये जो कोटी है ना वो बहुत ही ढीला ढीला हो रहा है मेरे में। सो मम्मी इसको ना फिट कर दो, पापा का साइज का कोटी है ना अभी फिलहाल, सो वो है ना मेरे साइज का बना दो प्लीज। ठीक है जाती हूँ बनाने। हाँ बना दो, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ना कि मैं हैंडसम दिख रहा हूँ कि नहीं ये कोटी पहनने के बाद। अरे हैंडसम दिखेगा। मैं पहनने वाली हूँ ये वाला चनिया चोली। सो इसका कलर है ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं ये पहनने वाली हूँ। इसका ब्लाउज जो है ना वो मेरे साइज का नहीं है, इसीलिए ना मैं ये ब्लाउज नहीं पहनने वाली हूँ। मैं पहनने वाली हूँ ये गोल्डन कलर का ब्लाउज, और है ना चनिया चोली के साथ है ना हमें दुपट्टा नहीं मिला था, इसीलिए मैं चनिया चोली से कॉन्ट्रास्ट करके ना ये ग्रीन कलर का दुपट्टा पहनने वाली। खुशबू है ना हर बार है ना अपनी जो किताबें ना इधर उधर रख देती है और फिर खो जाती है, तो फिर मम्मी को परेशान करती है कि मम्मी मेरी किताबें ढूंढो। उसको ना अभी तक है ना उसकी चीजें जो है ना अच्छे से रखना नहीं आया, इतनी बड़ी हो गई, 8th स्टैंडर्ड में आ गई, फिर भी ये तो मम्मी ने बहुत डांटा। किताब रखा सन अपना अपना जगह, लेकिन अपनी छोटी लाडली बेटी को मम्मी कुछ नहीं बोलती। नहीं बोलूंगी ना, क्यों? तू छोटी बच्ची है। गाइस खुशबू ने ना पायल की पर्सनल डायरी जो है ना वो पढ़ ली है, सो इसलिए पायल जो है ना वो बहुत ही गुस्सा हो गई है। पायल माफ कर दे प्लीज, माफ कर दे पायल। माफ तो मैं कर ही दूंगी, लेकिन किसी की डायरी पढ़नी नहीं चाहिए अगर पर्सनल हो तो। तुझे अच्छी तरीके से ना छुपा के रखनी चाहिए ना। अरे मैं है ना डायरी लिख रही थी, पर आप लोगों ने नीचे डोरबेल बजाई ना तो मैं खोलने गई थी। अच्छा मतलब रखना तू भूल गई। हाँ। तूने क्या छुपाया मुझे भी बता ना, कि इतना गुस्सा कर रही हूँ किसी ने पढ़ लिया तो। अगर ये पर्सनल डायरी है तभी तो मैंने किसी से छुपाया हुआ है। देखिए अगर किसी का पर्सनल डायरी होता है तो बेड पे थोड़ी ना छोड़ के जाने का होता है, अपने कबाड़ में लॉक करके रखना चाहिए अपनी पर्सनल डायरी। आपसे मत छूना ठीक है। कुछ खास तो लिखा ही नहीं है, इसने सिर्फ इतना लिखा है मतलब। नहीं 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 नहीं, कि मैंने आज ये खाया और मैंने आज ये किया, इसमें क्या, ये तो मैं ऐसे बिना पढ़े भी इसको बता सकती इसने कल क्या खाया। खुशबू के पास ना बहुत सारी ज्वेलरी है, फिर भी इसने ना बाजू वाली आंटी से ना ये वाला ज्वेलरी जो है ना वो मांगा है। क्यों तेरे पास नहीं था क्या? मेरे पास था, बट मेरे पास इतना अच्छा नहीं था। ओके और वैसे भी है ना वो आंटी ने मुझे कल बोला था कि अगर है ना आपको मतलब काम हो, वीडियो में पहनना हो या पार्टी प्लॉट में जाते हो तो पहनना हो तो आप ले सकते हो, तो मैंने ले लिया। मतलब उन्होंने बोला और तूने आज ले भी लिया। इससे कुछ बोलना नहीं चाहिए ना। ऐसे मत बोल, नहीं तो फिर कोई मुझे कोई चीज देगा ही नहीं। आंटी है ना इसकी तो बेटी की तरह रखती है। अच्छा मम्मी आज आप इतना आलस क्यों कर रही है? अरे बेटा सर फिर भी गरबा देखने जाओगी है ना?
तुम लोग कौन लेकर जाएगा। हाँ ये बात तो सही है, मम्मी हमारी है ना बहुत ही सपोर्टिव है, हर जगह जाती है हमारे साथ। नौ आती है ना एक साल में, सिर्फ नौ दिन ही आती है। फुल एंजॉय करने का है ना। हाँ, ए, हालो। हालो। अभी अभी ना मेरे पापा का ना कॉल आया था कि तुम लोग ना फटाफट से ना रेडी हो जाओ, मैं एक घंटे में ना घर पे पहुंच रहा हूँ, इसलिए फटाफट से ना पायल खुशबू है ना अपना मेकअप जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन जब हम लोग है ना गरबा खेलने गए थे ना तब है ना पापा ने ना इन दोनों को बहुत ही डांटा था कि तुम लोग है ना बहुत ही टाइम लगाते हो तैयार होने में, आज डर के कारण है ना ये लोग है ना फटाफट से मेकअप कर रहे हैं। उस दिन तो है ना मैं टाइम पे रेडी हो गई थी, दीदी ने लेट किया था। अपन डांट तुझे भी मिली थी ना। रोने की कोई बात नहीं है, रोना मत। मैं रो भी नहीं रही। इसमें क्या है, पापा है, पापा तो डांटते ही है ना। हाँ, खुशी खुशी डांट को ना एक्सेप्ट कर लेने का है ना। हाँ, अपना लेने का। हाँ मम्मी क्या है, आप भी चनिया चोली पहनोगी? हाँ। आप तो गरबा खेलती ही नहीं हो फिर भी चनिया चोली पहनोगी? हाँ सही बात है, गरबा खेलने आए चाहे ना आए, पहन कर है ना शौक पूरा करने का। वाह वाह मम्मी, वाह वाह मम्मी, तो आज बहुत ही झक्कास दिखने वाली है। खुशबू जो चनिया चोली अपने लिए लेकर आई थी ना वो आज मम्मी पहन रही है, क्योंकि मम्मी के पास नहीं है इसलिए मैंने कपड़े जो है वो पहन लिए हैं। और मैंने ये जो कपड़े पहने ना वो बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें गरबा करने में ना बहुत ही मजा आएगा, सिंपल है लेकिन साथ साथ में बहुत ही स्टाइलिश है। और यहाँ पे पायल खुशबू जो है वो अपने ज्वेलरीज जो है वो सारी की सारी पहन रही है। खुशबू कितना टाइम लगेगा? वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर लग रही है पायल, किसी की नजर ना लगे। बैट, मैं रेडी नहीं हुई। हाँ तू हो जा फटाफट से रेडी, फिर मैं तेरी भी है ना तारीफ करता हूँ। और तू तो आज पूरी है ना गुजराती गर्ल लग रही है खुशबू। अरे भैया मैं तैयार भले नहीं हुई पर आप तारीफ तो कर ही सकते हो ना। हाँ तो कर तो रहा हूँ, पूरी गुजराती गर्ल लग रही है आज। सो फटाफट से रेडी हो जाओ ठीक है, पापा आ ही रहे हैं 10 मिनट में। मैं ना आपसे ना एक बात जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, मेरा ना बचपन से ना इच्छा है कि मैं ना वो स्टेज पे जाकर है ना गरबा करूँ, जैसे वो सेलिब्रिटीज आकर नहीं करते सिंगर्स के साथ गरबा, वैसे मेरे करने की ना इच्छा है। सो होप करता हूँ मेरा वो जो है सपना वो पूरा होगा, मैं और मेरी दोनों बहने स्टेज पे गरबा एक दिन जरूर करेंगे, इसके लिए मैं ना बहुत ही मेहनत करूंगा। ये सपना पूरा करने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए हमें बस। आए लेना गाइस, अपने आप को है ना 10 बार शीशे में जाकर देख रही है, मैं सुंदर दिख रही हूँ कि नहीं, दिख रही हूँ कि नहीं। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं लग रही हूँ इसीलिए। बहुत ही सुंदर लग रही है, लेकिन तेरे से सुंदर आज कोई और भी लग रहा है। कौन? खुशबू नहीं। हाँ। कोई और। मम्मी देखो गाइस, मेरी मम्मी कितनी सुंदर दिख रही है ना। हाँ। शर्मा लो थोड़ा, शर्मा लो। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ। वाह वाह देखो तो इस लड़की को। अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा परफ्यूम ताकि मैं गरबा करूँ तो मेरे आसपास वाले को बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू मिले। खुशबू तू चश्मा निकाल दे, अच्छा नहीं लग रहा है चनिया चोली पे चश्मा। अरे यार ये चश्मा मैं नहीं पहनने वाली हूँ, तो मैंने ऐसे ही पहना कि मैं कैसी लग रही हूँ। नहीं अच्छी लग रही, निकाल दे।
गाइस इट्स द नेक्स्ट डे और कल रात गरबा करके ना हमें ना बहुत ही मजा आया गाइस, बहुत ही एंजॉय किया हमने। हमें तो लगा था ना कि खुशबू को है ना बेस्ट कॉस्ट्यूम का है ना प्राइज मिलेगा, लेकिन बिचारी को मिला ही नहीं। खुशबू से भी अच्छा अच्छा है ना लोगों ने ना कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, तो उनको मिला है जो बात सही है, उससे अच्छा पहना था तो उनको मिलना ही चाहिए। खुशबू तुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तेरे को है ना प्राइज मिलता? क्योंकि सारे कैमरा मैन ना मेरी वीडियोस उतार रहे थे इसीलिए। ओहो ऐसा नहीं था खुशबू, तेरे से भी अच्छा अच्छा है ना लोग पहन कर आए थे। अरे भैया ऐसा नहीं होता कि बेस्ट कॉस्ट्यूम का ही प्राइस मिलता है, सीन लॉन्ग लास्टिंग का भी मिलता है और बेस्ट गरबा स्टेप का भी मिलता है। पर हम लोग है ना जल्दी घर पर आ गए थे ना, इसलिए खुशबू है ना बहुत ही गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसको है ना बहुत ही गरबा खेलने का है ना मन कर रहा था। हाँ, भले नहीं मिलता मुझे प्राइस पर, मुझे गरबा भी करना था, आप तो बहुत ही जल्दी घर पे आ गए। मेरा ना पैर दुख रहा था इसलिए। खुशबू। हाँ भैया। गाइस को बता दो तुम क्या कर रही हो? मैं ना आरती की थाली सजा रही हूँ। गाइस ये रहे कलरफुल कलरफुल, और इसकी मदद से ना खुशबू जो है वो थाली जो है वो डेकोरेट करेगी। इस बार का थाली तू बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रही है खुशबू। हाँ क्योंकि ना हर साल हम सिर्फ फूल से डेकोरेट करते हैं, इस साल मैंने सोचा कि कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। बहुत ही बढ़िया से सजाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बहुत ही बढ़िया से सजाऊंगी। तू वो ग्लव्स पहन लेना। अरे यार हमारे पास है ना वो ग्लव्स है, बट वो कहाँ रख गए मम्मी ने, नहीं पता मम्मी को भी। पहन लेती ना तो तेरे हाथ में ऐसे कलर नहीं लगता। पर कोई बात नहीं तो निकल जाता है। ओके और पायल तो सबसे बिजी है गाइस सोने में। आज पूरे दिन है ना ये सोई है। हाँ, हमने ज्यादा गरबा किया भी नहीं है, बट जितना भी किया ना दीदी के लिए वो बहुत ही है, क्योंकि दीदी है ना हर साल ज्यादा गरबा नहीं करती। मैंने नवरात्रि तो बहुत ही अच्छे से ना सेलिब्रेट कर लिया है, सिर्फ एक ही दिन है ना बाकी है, वो भी कल का दिन है। लेकिन जैसे ही नवरात्रि खत्म होगी वैसे ही मेरी एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और मैं है ना पढ़ने लिखने वाला हूँ। पढ़ता तो पहले भी था, लेकिन गाइस जब एग्जाम होती है ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है। सो मुझे तो बहुत ही धक धक हो रहा है कि इस बार का एग्जाम मेरा कैसा जाएगा। होप करता हूँ कि मेरा एग्जाम जो है वो अच्छा ही जाएगा। खुशबू। हाँ भैया। कब तक तेरी आरती की थाली डेकोरेट होगी? बस और आधे घंटे में हो जाएगी, क्योंकि मैं पूरा डिटेलिंग के साथ रेडी कर रही हूँ आरती की थाली। ओके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब तक तू आरती की थाली डेकोरेट करेगी ना तब तक आरती का समय ही हो जाएगा। नहीं होगा भैया। देखना हो जाएगा कि नहीं, समय ना बहुत ही जल्दी जल्दी है ना बीतता है। नहीं बीतता। बीतता है, तू फटाफट कर। बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय 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 बाय।